जागति हे तू सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मख साला कौतुक देखी चले गुरु पाही जानि विलम दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर यानी आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक यानी विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव यानी जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर निवाकर आज्ञा पाकर बैठे। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।